चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती से जुड़ी हुई जरूरी खबर है। किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे, आंकड़ा सामने आ गया है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग में होंगी भर्ती 61,000 पदों पर। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में होगी भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000 खाली पद जिन्हें भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती निकली है। 2100 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियां होनी है। उद्योग विभाग, वन नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी खाली पद भरे जाएंगे। सरकार ने दिसंबर 2024 तक 1,00,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और देखिए प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, साफ हो रहा है यानी कि प्रक्रिया जो है तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी वो भी तस्वीर साफ हो गई है। बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और सबसे बड़ी खुशी के तौर पर तो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग इंतजार कर रहे थे उसमें भर्ती का, अब उनके लिए ये बड़ी खुशी है क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर भर्ती निकली है बड़े पदों पर। मानी, आप सही कह रही है कि युवाओं के लिए और उन अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है जो लंबे समय से सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे थे। सरकार की तरफ से पिछली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसके अंदर ऐलान कर दिया गया है कि 2024 तक के यानी अगले 2 महीने के अंदर करीब 1,00,000 सरकारी भर्ती होंगी। लेकिन सरकार की तरफ से उस वक्त आंकड़ा जारी नहीं किया गया था कि आखिर इतनी बड़ी बंपर जो भर्ती निकाली जा रही है वो आखिर किस डिपार्टमेंट में होनी है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले बता रहा है कि आखिर किन किन विभागों में ये भर्ती होनी है। करीब 65,000 पद तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे। अलग अलग स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डिपार्टमेंटल हैं इंटरनल, उसके अंदर ये भर्ती होगी। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि कई पद जो रिटायर हो गए हैं उसके कारण खाली हुए हैं और इसके साथ साथ कई पद ऐसे हैं जो नए बनाए गए हैं क्योंकि कई जगहों पर नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके अलावा बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला सीएस से सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया कि होम गार्ड, बैंड और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस भर्ती होनी है। तो करीब 7,500 के करीब बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के अंदर भी भर्ती होगी और शिक्षा विभाग की बात की जाए तो जो इंतजार था युवाओं के बीच वो इंतजार जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सरकार द्वारा इसे बड़े तोहफे के स्वरूप देखा जा रहा है युवाओं के लिए।